हेलो बच्चों, टाइपिंग कर रहे हैं आप लोग? टाइपिंग करते रहिएगा। हाँ, जब तक टाइपिंग नहीं करते रहेंगे रिजल्ट में बहुत परेशानी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, टाइपिंग में सफलता बहुत मुश्किल होगा निकालने में। इस चीज का नोट कर लीजिए ध्यान से, इस चीज को। तो आज आप लोग को लेसन तो हो ही गया हिंदी का, फर्स्ट ब्रेक वर्ड प्रैक्टिस करना है, ये है ना। यहाँ आने से पहले थोड़ा सा एक बार अपडेट कर लेते हैं, शुरू से देख लीजिए। यहाँ से रखना है हिंदी में, कितना बार बोल चुके हैं हर एक वीडियो में बताते हैं, ध्यान रखिए रखिएगा इस चीज का। ये देखिए हाथ रखने का कला भी हम बराबर बताते हैं। सबसे टाइपिंग का सबसे मेन पॉइंट है ये हाथ रखना। छोटे हाथ बढ़िया से अगर कीबोर्ड पे लगा गया, बटन पे रखा गया है ना, हाँ इन्हें कैसे सुता रहे हैं, इधर सुता रहे हैं ना, नहीं है ना, एकदम इस पोर्शन में रखिए हाथ को, ऐसे उठा के रखना है, ठीक है। देख लीजिए, शुरू से अपडेट करते हैं लेसन फर्स्ट से। एकर क हर से कर ह स्पेस स य स अकार स्पेस एकर क हर से कर ह स्पेस स य स अकार स्पेस। सब उंगली उठा उठा के मारिएगा एकदम क्लियर, ऐसे सब उंगली एकदम ऐसे क्लियर। और एक चीज और बताए थे आपको, अगर हाथ नहीं उठता है तो हाथ को इस तरह से हवा में रखेंगे। मान ली कोई बच्चे नए जुड़े हैं और उनसे हाथ नहीं उठ रहा है, होता है क्योंकि आज से नहीं बहुत दिन से जमाना से देख रहे हैं, 17-18 साल से हम देख रहे हैं बच्चों को, है ना, बहुत सारा को उठाने में हाथ उठने में परेशानी होता है, उठा नहीं पाते हैं, समय थोड़ा सा लग जाता है। जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है वो क्या करेंगे, हाथ को ऐसे हवा में रखिएगा, है ना, पहले भी बताए हैं हाथ को इस तरह से हवा में रखेंगे, है ना, हवा में झूलते हुए ऐसे लटकते हुए, है ना, क्या करेंगे ऐसे लटका के करेंगे। एकर क हर्षे कर ह है ना स्पेस स य स अकार स्पेस, धीरे धीरे एकदम, है ना। लेसन में कभी भी उबिएगा नहीं, क्योंकि लेसन क्या है, जड़। जैसे पेड़ पौधा के लिए होता है ना जड़, जब तक जड़ अगर मजबूत नहीं है तो पौधा विशाल नहीं होगा, आंधी आएगा पौधा उखड़ के फेंका जाएगा। इसी तरह से लेसन पर अगर कमांड आपका बढ़िया है तो टाइपिंग बहुत बढ़िया होगा, भविष्य टाइपिंग का बढ़िया होगा, साथ साथ आपका भी भविष्य बढ़िया होगा। इसलिए लेसन में अगर समय लगता है दो दिन के जगह 4 दिन तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेसन पर कमांड बढ़िया होगा, बैट प्रैक्टिस करने में आसान होगा, है ना। एकर क हर्षे कर ह स्पेस स य स अकार, ठीक है। ये लेसन फर्स्ट हो गया था, है ना, लेसन फर्स्ट का सेकंड स्टेप में बताए थे एक बटन आगे बढ़ने के लिए, है ना, एक बटन इधर से आई का बटन इससे, है ना, इससे ये मारेंगे ऐसे ये मारेंगे, क्या है इसमें ये देख लीजिए। एकर क हर्षे कर ह है ना दुर्गा का स्पेस स य स अकार इसमें इसे बढ़ के र, ठीक है, एकदम डायरेक्ट ऐसे जाएंगे, है ना, यही नहीं कि यहाँ पर हाथ रखे हुए ऐसे उंगली बैठा, नहीं ऐसे नहीं, एकदम उठा के इस तरह से मारिएगा, ऐसे उंगली कभी नहीं बढ़ाएंगे, है ना, मेरा भी पहुंच जाएगा, देखिए यहाँ पहुंच जाता है, जहां पर आएंगे यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं, हाथ को इस तरह से फूला एकदम, हाथ को इतना हल्का रखें, इतना हल्का रखें कि कोई फूंक दे तो हाथ हिल जाना चाहिए, इतना हल्का रखें, इस तरह से रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए लेसन फर्स्ट का सेकंड स्टेप ये बढ़ना है, और थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं क्योंकि वर्ड में जाना है। एकर क हर्षे कर ह दुर्गई कर स्पेस स य स अकार इसी से बढ़ के र, एकर क हर्षे कर ह दुर्गई कर स्पेस स य स अकार र स्पेस। हम बोल के कर रहे हैं ताकि आप लोग समझें,
आप लोग को बोल बोल के नहीं करना है, क्लास में हो या घर में हो, क्योंकि बोल बोल के करिएगा तो अगल बगल वाले आपके टाइपिंग जो करेंगे उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मन में बोलना है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं, मेरा बोलना मजबूरी है ताकि आपको आप लोग समझ सकें इजी से, एकदम सरल भाषा में जिसको बोलते हैं। एकर क हर्षे कर ह दुर्गय कर स य स अकार र, ठीक है। ये लेसन फर्स्ट का सेकेंड स्टेप, ठीक है, लेसन फर्स्ट का सेकेंड स्टेप। अब आ जाइए लेसन फर्स्ट का थर्ड स्टेप, ये देख लीजिए कैसे, इसी से लेंगे ये, है ना, ऐसे उठा के ही नहीं कि यहाँ पे रखे हुए तो ऐसे करिएगा, है ना, बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट उठा के लीजिएगा, है ना। इसमें अनुस्वार है, जिसमें मान लीजिए कंकड़ लिखना रहे तो क के ऊपर बिंदु, सिंह लिखना रहेगा तो सिंह के अनुस्वार जो बिंदु देते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं, है ना। अनुस्वार एकर क हर्षयकर ह दुर्गयकर, और फिर इसी उंगली को पीछे मार देना है ना, ह स्पेस स य स अकार र अकार स्पेस अनुस्वार एकर क हर्षयकर ह दुर्गयकर ह स्पेस स य स अकार र अकार स्पेस अनुस्वार एकर क हर्षयकर ह दुर्गयकर ह, है ना, ऐसे उठा उठा के एकदम, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। स य स अकार र अकार स्पेस अनुस्वार एकर क हर्षयकर ह दुर्गयकर ह स्पेस स य स अकार र अकार स्पेस, ठीक है। इसका प्रैक्टिस अभी कोशिश करिएगा कि जब भी बैठे ना तो एक एक लाइन दो दो लाइन ये सबको मार लिया करिएगा, जो जैसे जैसे बता रहे हैं, ताकि सब पर और हाथ आपका ढंग से बैठा रहे, है ना। और इसके साथ ही अब आप बर्ड प्रैक्टिस इसका स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बर्ड प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, है ना, देख लीजिए। देखिए लिख रहा है, प्रत्येक शब्द के पांच पंक्तियों में अभ्यास कीजिए। पंक्तियां मतलब समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो हम बताते हैं आपको, ठीक है, एक मिनट। प्रत्येक शब्द के पांच पंक्तियों में अभ्यास कीजिए, यानी इस तरह से, जैसे है ना, ये देखिए एक लाइन दो लाइन यहां तक आ गया तीन लाइन, इस तरह से, इस तरह से पांच लाइन, है ना, पांच लाइन मार दीजिएगा। कार कार जैसे कार मार रहे हैं, देखिए कार, है ना, कार मारेंगे तो पांच लाइन तक यहां से यहां तक कार ही मारते रहिएगा, यहां से यहां, इस तरह से, ठीक है। मार के बताते हैं किस तरह से मारिएगा आराम से, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेसन से तो आ जाते हैं टप के इधर वर्ड में, लेकिन यहां आने के बाद भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, कीबोर्ड को देखते हैं, नहीं, कीबोर्ड को कभी नहीं देख के मारा करिए, क्योंकि हिंदी में इसको देखिएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंग्लिश है, है ना, है ना। कीबोर्ड से कभी भी बचने का प्रयास करिएगा, टाइपिंग का ये बहुत सारा मेन पॉइंट है। टाइपिंग करते करते कीबोर्ड कभी नहीं देखेंगे, अगर जो कीबोर्ड, जो बच्चे लोग कीबोर्ड देख रहे हैं तो समझिए हमको नहीं, हमको नहीं धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्लास में हम देखते हैं बच्चे लोग क्या करेंगे, कनमटिया के देखेंगे, है ना, कि सर तो देख ही नहीं रहे होंगे, है ना, लेकिन ये समझते नहीं, तो हम देख लेते हैं, नजर पड़ जाता है तो हम सुना भी देते हैं, उसी समय बोल देते हैं, क्या कि धोखा हमको नहीं, धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, हमको धोखा नहीं दे रहे हैं, है ना। मेरा काम है, हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप नहीं थकिएगा तो हम भी नहीं थकेंगे बताते बताते, इतना जान लीजिए, है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन देखते हैं, नहीं, स्क्रीन को कभी नहीं देखना चाहिए, कीबोर्ड और स्क्रीन से हमेशा दूरी बना के रखिएगा। जब भी नजर है, जैसे कार है, कार मार रहे हैं तो एकदम कार पे ही नजर होना चाहिए, इधर कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मार्क बता देते हैं, टाइप करके बता देते हैं,
ध्यान से देख लीजिए, है ना। मन में सोचिएगा, अगर मान ली नहीं आ रहा है, भूल गए, मान लो होता क्या, लेसन तो मार्क कर लेते हैं, कितना बच्चों क्या करते हैं, एक ही दिन में चाहते हैं कि लेसन हो जाए, कल होकर बर्ड प्रैक्टिस में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको याद करना होता है ना, दिमाग को नहीं याद करना होता है, मीनिंग नहीं है कि रट लेंगे याद हो जाएगा, इसको याद दिलाना होता है, समझ गया ना। टाइपिंग में उंगली को याद दिलाना होता है, ये उंगली जानता है ना, दिमाग को कुछ नहीं याद होता है जब तक, क्यों कहते हैं टाइपिंग नहीं छोड़िए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि डेली प्रैक्टिस करिएगा, रटना थोड़ी है, याद करना होता तो याद करके रख दे, चलो भाई 10 दिन के बाद ही पूछ लीजिएगा तो बता देंगे, है ना, मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको याद दिलाना होता है ना, ये चारों, ये आठ जो देख रहा है, नौ उंगली का जो काम है, बस ये नौ उंगली को में ये एक स्पेस के लिए है, ये आठ उंगली काम करता है, ये आठ उंगली को ही याद दिलाना होता है ना जी। आपको लगता होगा कि हम याद करते हैं, नहीं, कोई याद नहीं करता है, उंगली याद करता है, ठीक है। और इसीलिए हम डेली इस बात को बोलते हैं कि टाइपिंग कर रहे हैं छोटे, टाइपिंग कर रहे हैं बच्चों, हाँ, इसीलिए पूछते हैं ताकि आप लोग डेली प्रैक्टिस में रहिए, डेली प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, मान ली नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सोचिए, है ना, क किसमें है तो ध्यान लगाइए, लेसन को याद करिए, इसमें एक आ रहा है तो इसमें क है ना, क अकार क है ना, काक, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है, क्या है दिखाई, तो कार, कार किस तरह से लिखेंगे देखिए, क अकार र, ठीक है, क अकार र, उठा उठा के, क अकार र, सारा उंगली उठा उठा के, है ना, इन्हें की और इसमें है तो चलो ऐसे टिप दिए, ऐसे है ना, ऐसे नहीं टिपेंगे, यहाँ है दूरी बहुत कम है लेकिन फिर भी हमको उठा के पहुंचाना है, इस तरह से पहुंचाइएगा, ठीक है। क अकार र कार, क अकार र कार, क अकार र, है ना, आप बोल के नहीं करेंगे, बोल के हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग मन में करिएगा, घर हो या क्लास हो कहीं भी, ध्यान से देख लीजिए, है ना, इसी तरह से कार ही नहीं कार, ठीक है। कितना लाइन मारना है, एक वर्ड को कम से कम 5 लाइन तक मारेंगे, इसको समझ गए ना, जैसे कार मार रहे हैं ये कार, तो कम से कम 5 लाइन, किस तरह से, इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5, देखिए हम 5 लाइन भी टप गए, ठीक है ना, इसी तरह से सारा वर्ड को, कार हो, काक हो, सार हो, सिंह, देखिए यही अनुस्वार के बारे में बता रहे थे, ये अनुसार जो देख रहे हैं ना सिंह में, हाँ ये सिंह में जो अनुसार देख रहे हैं, इसी ये यही है, ये यहाँ इसी में है, कैसे मारेंगे, यहाँ से इस तरह से अनुस्वार जो बोल अनुस्वार है ना, इस तरह से आप लोग को इतना ढंग से टाइपिंग सिखाएंगे छोटे, इतना ढंग से सिखाएंगे कि हमको नहीं लगता है कि इस तरह से आप लोग को कोई भी यूट्यूबर सिखा सकता है या सिखाया होगा। आप देख लीजिएगा, बहुत सारा के वीडियो है यूट्यूब पर, लेकिन जो हम बता देंगे अभी तक तो खैर नहीं है कोई, हम भी बहुत सारा के वीडियो देखे हैं, बहुत सारा लेसन गलत बताया हुआ उसमें, इतना सारा गलत बताया हुआ है कि इंग्लिश में हम आपको पहले बताए थे, देखिए जेड इसमें से, बहुत सारा यूट्यूबर देखते हैं इस जेड इससे बता रहे हैं, लिटिल फिंगर से, नहीं इससे नहीं होता, इससे जेड होता है, हमने इससे बताया है, आप इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। और एक डायलॉग और बोल देते हैं, हर एक बार बताते हैं कि जो बच्चे लोग अगर हिंदी में कर रहे हैं टाइपिंग, कृपया करके हिंदी ही सीखेंगे, और जो इंग्लिश कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बड़ की विनती है उनसे, है ना, ताकि आपका हाथ खराब ना हो, आपका टाइपिंग खराब ना हो, आपका भविष्य खराब ना हो, है ना जी। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा टिप्स देंगे छोटे, इतना सारा टिप्स देंगे टाइपिंग का, इतना सारा टिप्स देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं हमने भी कोई चैनल सब्सक्राइब किया है,
बहुत सारे बच्चों का दोस्त यार रिश्तेदार परिवार अगर गलत सलत जगह जा रहे हैं, गलत चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वैसे सारे बच्चों को बताइए बताइए नहीं दिखाइए, बच्चे लोग खुद देख के समझ जाएंगे, है ना। वीडियो दिखाइए मेरा, और बार बार समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, तब जाके होगा, है ना। जितने वीडियो को अधिक बार देखेंगे उतने अच्छा से उतने बढ़िया से अधिक समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से काक है ना, थोड़ा सा काक भी मार के बता देते हैं, देख लीजिए का किसमें है, क इसमें है, क आकार क है ना, क आकार क, सब उंगली इस तरह से उठा उठा के मारेंगे, क कार क, है ना। पहले आप धीरे मारे की कोशिश करिए, एकदम सोच के मन में, है ना। हाँ अगर नहीं आ रहा है तो मन में सोच के क आकार क, है ना, कहाँ हो सकता है लेटर, ठीक है। क आकार क काक, क आकार क काक, क आकार क काक, ठीक है। इसी तरह से देखिए, एक लाइन देखिए काक भी मार दिए, दो लाइन ये देखिए, है ना, ये देखिए तीसरा लाइन है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, देख लीजिए। इसी तरह से जितना भी वर्ड है कार से लेके सरकार कार से लेके सरकार, है ना जी, कार से लेके सरकार, है ना, यहाँ तक पांच लाइन मारेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ये चैनल आपका ऐसा बना है कि जब तक हम जीवित हैं वीडियो लोड होते रहेगा, हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम से पहले आने वाला वैकेंसी सारा चीज के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।